हेलो दोस्तों, राज आहूजा कंपनी कोटा राजस्थान के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक क्विक वीडियो बनाऊंगा, पर उम्मीद है ये भी 3 से 4 मिनट का होगा। ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट इंस्टॉलेशंस में से प्रोजेक्ट है। एक कहते हैं, जब एक विजनरी डायरेक्टर और एक विजनरी टेक्निकल पर्सन मिल जाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं, ये एक हाइब्रिड क्लासरूम है। हाइब्रिड क्लासरूम का क्या मतलब होता है कि इसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोचिंग दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं गिम्बल से वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि वीडियो को मैं बीच बीच में लेफ़्ट राइट करूँ, मूव करूँ, जूम इन जूम आउट करूँ। मैं आपको ये क्लासरूम हैंड ओवर करने से पहले अपडेट देना चाहता था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, और आई वुड से दिस इज़ द मोस्ट एडवांस्ड क्लासरूम एवर इन दी एंटायर कंट्री, बिकॉज ये काफ़ी स्पेशल गैजेट से डेवलप किया गया है। आप कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप से। आप सामने देख सकते हैं, ये पावर्ड स्पीकर हैं। अच्छा, पावर्ड स्पीकर में क्या होता है, हमें इनबिल्ट एम्पलीफायर मिलता है, एक्टिव स्पीकर्स होते हैं, तो हमें अलग से कोई भी डिवाइस लगाना नहीं पड़ता। हर एक स्पीकर का अपना एक मॉड्यूल है। ये TWS ट्रू वायरलेस सिंक्रोनाइजेशन से इक्विप्ड है। दैट मींस एक स्पीकर दूसरे से, दूसरा स्पीकर तीसरे से। ऐसे इस क्लासरूम में 6 स्पीकर हैं। ऑल 6 स्पीकर्स विल बी वर्किंग वायरलेसली अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमने बैकअप में इनको केबल्स भी दी हैं। सारा बैलेंस्ड आउटपुट है, XLR टू XLR कनेक्टेड है। जो मिक्सर है, इक्वलाइजर है, वो भी बैलेंस्ड इनपुट आउटपुट पे है। तो कहीं से कहीं तक हमने मौका ही नहीं दिया है क्लासरूम को कि अनबैलेंस्ड साउंड आए। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके अंदर DSP है। DSP मींस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, फ्लैट, माइक्रोफोन रिस्पांस, स्पीच, लाइव, क्लब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक। तो अब क्या होता है, हमने DSP को स्पीच में सेट किया है, क्योंकि फैकल्टीज़ जो होती हैं उनके गले का ध्यान रखना होता है, माइक्रोफोन के साथ सिंक्रोनाइज कराना होता है। ये अपने आप में एक पावर्ड स्पीकर अकेला भी काम में लिया जा सकता है, इसके साथ ये एक दूसरे से कनेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पर हमने पावर पॉइंट दे रखा है, ये स्पीकर कनेक्टेड है। यहाँ पर रोटेटेबल स्टैंड्स हैं, ये स्टैंड्स को हम अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। अभी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। ये ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर टीचर पढ़ाएगा। ये स्क्वायर फीट एरिया इस रूम का ऑलमोस्ट 2500-2600 स्क्वायर फीट है। अब आते हैं यहाँ के पावर हब पे। सो व्हाट वी हैव डन इज़, हमने ऑटोकट स्टेबलाइज़र दिया है ताकि बिल्डिंग में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन होगा तो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम सेफ रहेगा। इसके अंदर हमने 2 माइक्रोफोन दिए हैं। पहला बैकअप माइक्रोफोन है जो स्टूडियो मास्टर का है। सेकेंड इज़ प्राइमरी माइक्रोफोन, दैट इज़ सेनाइज़र। एक मिक्सर 4 इनपुट का दिया है, इसके अंदर हम 4 माइक्स तक कनेक्ट कर सकते हैं, 4 माइक। ये आप देख सकते हैं बैलेंस्ड XLR कनेक्शंस हैं। ये सारे कनेक्शंस जा रहे हैं स्पीकर में। अच्छा, अब यहाँ पर हाइब्रिड कोचिंग के लिए हमने क्या किया है, इस पूरे सिस्टम को हमने यहाँ पर ऑक्स आउट से और कैमरे पे जोड़ा है। मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हाइब्रिड क्लासरूम में यूज़ किया जाने वाला कैमकॉर्डर है। ये PC से इक्विप्ड है। इसके अंदर कनेक्शन XLR से आया हुआ है। ये 0 वैक्यूम ट्राइपॉड स्टैंड पे लगाया गया है। सी, दिस इज़ दी XLR। यहाँ से स्टूडेंट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोचिंग का बेनिफिट ले सकता है। सो इन माय टर्म्स दिस इज़ दी मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम, क्योंकि एक स्पीकर का पावर आउटपुट है 200 वॉट्स का, और हमारा ये टेक्निकल मानना होता है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान को पावर आउटपुट एक रूम में 2 वॉट चाहिए होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 300 से 400 बच्चे बैठेंगे इस क्लासरूम में, तो हम लोग मान के चलते हैं
हमारे को 700 टू 800 वॉट आरएमएस पावर आउटपुट पावर का रिक्वायरमेंट है, जो कि इन 6 स्पीकर से हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। ह्यूमंस एक्ट एज द मोस्ट बेनिफिशियल साउंड अब्जॉर्प्शन मटेरियल, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो साउंड को अब्जॉर्ब करती है। एक बार जब ये क्लासरूम पूरा भर जाएगा तो छोटी छोटी बारीकियाँ, वॉइस का एको होना, डिस्टॉर्शन होना, विस्लिंग होना, ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। प्लस हम लोगों ने इक्वलाइज़र इसी रीज़न से दिया है कि यहाँ पर टेक्निकल टीम जो है वो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज कर सके, वरना आज तक लेमैन टर्म्स में बहुत जुगाड़ चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था। इनफैक्ट मैंने काफ़ी क्लासरूम्स को जिनको रीडेवलप किया है मैंने देखा है, उसमें 10 से 15 साल पहले की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एज एन एवी इंटीग्रेटर, एज अ साउंड इंजीनियर, मैं लोगों को यही बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि आप थोड़ा आगे का सोचेंगे तो आपको अच्छी चीज़ का यूजेज मिलेगा। और एक क्लासरूम में स्पेशली जब बच्चा पढ़ने आता है, उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको चीज़ अच्छे से सुनाई दे जो कि एक अध्यापक, एक टीचर बोल रहा है। काफ़ी लोग बिना जानकारी के इंस्टॉलेशन कर देते हैं, मटेरियल सेल कर देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आई विल वॉन्ट एवरीबडी टू गेट एडुकेटेड। अगर किसी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको जितना हो सकेगा कोऑपरेट करूँगा। एंड आई विल बी अटेम्प्टिंग टू क्रॉस 1000 ऑफलाइन क्लासरूम इंस्टॉलेशंस। मैंने अब तक ऑलमोस्ट 922 कुछ क्लासरूम्स बनाए हैं। अभी इन लाइन ऑलमोस्ट 70 क्लासरूम्स और पेंडिंग है, तो जल्द ही 1000 ऑफलाइन क्लासरूम्स का जो मेरा एक बेंचमार्क है वो क्रॉस हो जाएगा, विच विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट स्पेशली फॉर कोटा एंड स्पेशली फॉर ऑफलाइन क्लासरूम्स। एक मैं आपको लास्ट ओवरव्यू दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी लंबा खींच दिया है वीडियो, ऑलमोस्ट 7-8 मिनट तक जा चुका है। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा वीडियो और बनाऊँ, उसमें अपलोड करूँ।